गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टुडेज अवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज अनुवांशिकी। आज हम अनुवांशिकी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड दिस इज अवर फोर्थ चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। अनुवांशिकी वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। अनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहते हैं। तो बेसिकली अनुवांशिकी और जेनेटिक्स है क्या, जैसे कि जो जेनेटिक लक्षण होते हैं, जो हेरिडिटरी कैरेक्टर्स होते हैं, वो पूर्वजों से अपनी आने वाली जनरेशन में क्या पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। उन्हीं लक्षणों को हम कहते हैं आनुवंशिक लक्षण, बेसिकली हेरिडिटरी कैरेक्टर कहा जाता है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड होती है, जीन से रिलेटेड होती है, और इसको हम आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया निवासी ग्रेगोर जॉन मेंडल ने दी थी। सबसे पहले जो अनुवंशिकता की स्टडी की थी उसके बारे में जिन्होंने बात की थी वो थे साइंटिस्ट ग्रेगोर जॉन मेंडल। इसी कारण उन्हें अनुवंशिकता का पिता कहते हैं, यानी कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। एंड अनुवंशिकता यानी जेनेटिक शब्द विलियम बेटसन ने दिया था। सबसे पहले विलियम बेटसन ने जेनेटिक शब्द का उपयोग किया था, उन्होंने ये शब्द बताया था जेनेटिक्स। एंड जीन के बारे में सबसे पहले जीन शब्द जो था वो किसने बताया था, विलियम जॉनसन ने, राइट। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चुनाव किया था। सबसे पहले जो अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग किए गए थे, एक्सपेरिमेंट किए गए थे, वो थे ग्रेगोर जॉन मेंडल, और उन्होंने यूज किया था पी प्लांट यानी मटर का पौधा। मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़े विपरीत गुणों की वंशगति का अध्ययन किया, जिसमें क्रमशः एक संकरीय व द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय क्रॉस वो होता है जिसके अंदर एक ही टाइप के कैरेक्टर को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो उसमें एक संकरीय क्रॉस करेंगे तो हम बात करेंगे उसके लंबे और बोने पौधे की, तो वो हो गया एक संकर क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड, जिसमें एक ही एलीली के कैरेक्टर एक ही कैरेक्टर को डिस्कस किया जाता है। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे एम बोने पौधों के बीच क्रॉस कराया तो उसको कहा गया मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस आप समझ गए, एक ही कैरेक्टर का डिस्कशन करना यानी एक ही जो चीज है यानी कि एक ही कैरेक्टर हो गया बेसिकली उसको डिस्कस करना, तो वो कहलाता है एक संकरीय यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें उन्होंने एक कैरेक्टर कौन सा लिया, लंबा और बोने पौधे का कैरेक्टर लिया। दो उन्होंने इस पे दो पौधों को क्रॉस कराया और उसके बाद उन्होंने रिजल्ट देखा, राइट। अब यहां पर देखिए, एक इन्होंने लिया कैपिटल टीटी यानी लंबा पौधा, ठीक है। उनमें क्या कराया उन्होंने, कृत्रिम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम परागण कराया, और एक लिया इन्होंने बोने पौधे। अब देखिए ये पितृ पौधे, ठीक है, इन दोनों का इन्होंने क्या कराया, पॉलिनेशन कराया, जिसको परागण बोलते हैं। और यहाँ पर जो गैमेट बने वो कैपिटल टी था, और यहाँ पर क्या बने, गैमेट युग्मक क्या बने, स्मॉल टी। यानी बोने पौधे को क्या क्या शो कर रहा है, यहाँ पर बोना पौधा टी को शो करता है स्मॉल टी को, राइट। लंबा पौधे का कैरेक्टर इज शोन बाय कैपिटल टी, लंबे पौधे का जो कैरेक्टर था वो कैपिटल यानी बड़े टी से लिया, ठीक है। अब इन दोनों का जब क्रॉस पॉलिनेशन कराया तो F1 जनरेशन में क्या मिला, इनको सभी लंबे पौधे मिले, ठीक है। क्यों मिले, देखो एक तो है कैपिटल टी लंबा पौधा, स्मॉल टी बोना पौधा, यहाँ पर जो मिला वो क्या था, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और उसको कहा गया हाइब्रिड लंबे पौधे। क्यों इनसे छोटे पौधे नहीं कहा गया, क्यों ये छोटे नहीं है, ठीक है। तो बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस का यहाँ पर नियम आया, उसमें बताया गया कि जो कैपिटल टी होता है वो क्या करता है, स्मॉल टी के कैरेक्टर को क्या कर देता है, छुपा देता है। यानी हम कह सकते हैं ये कैपिटल टी जो है वो ज्यादा डोमिनेंट है, ठीक है। इसीलिए जो F1 जनरेशन में मिले हाइब्रिड कैसे मिले, लंबे मिले, राइट। तो यहाँ पर अब इनका स्वपरागण हुआ, ठीक है। सभी पहले F1 जनरेशन देखिए, सभी क्या थे, लंबे पौधे थे, ठीक है। और लेकिन ये फिनोटाइप रेशो है, ये क्या है, फिनोटिपिक कैरेक्टर है। फिनोटिपिक मतलब बाहर से सारे देखने में लंबे थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी है तो स्मॉल टी भी तो छुपा हुआ है, लेकिन आगे जाके जब इनका स्वपरागण या पॉलिनेशन होगा तो किस तरह की प्रजाति मिलेगी, कैपिटल टी मिलेगी 25% दोनों कैपिटल टी यानी शुद्ध लंबे, कैपिटल टी स्मॉल टी यानी हाइब्रिड लंबे, और शुद्ध बोने यानी स्मॉल टी वाले 25% शुद्ध बोले। तो ये अनुपात क्या हो गया, 1:1 ये हो गया जीनोटाइप अनुपात, ठीक है। 1:1 2 संकर लंबे, और 1 क्या हो गया,
बोने पौधे। तो यहाँ 25 50 और 25 का रेशो मिला और ये 1:2:1 कहलाता है जीनोटिपिक। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो शुद्ध लंबे और संकर लंबे हैं तो लंबे ही, ठीक है। फिनोटाइप इनका कैसा रहेगा, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस तो लंबी रहेगी ना, तो 75:25 यानी 3:1 का रेशो मिला हमें एफ टू पी के पौधे का फिनोटिपिक अनुपात 3:1। यानी सारे जो 75% पौधे थे मटर के वो लंबे थे और 1% उसमें बोने थे। लेकिन जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप सबका अलग अलग है। देखिए कैपिटल टी टी ये शुद्ध लंबे है, ये संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी और ये शुद्ध बोने है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो लंबे पौधे थे जो F1 जनरेशन में हमें ये इस तरीके के संकर पौधे मिले हैं लंबे, तो उसने कैपिटल टी वाले ने स्मॉल टी के कैरेक्टर को छुपा दिया है क्योंकि जो डोमिनेंट कैरेक्टर था या प्रभावी कैरेक्टर था वो कैपिटल टी था, ठीक है। अब आता है द्वि हाइब्रिड क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। मेंडल ने द्विसंकरी क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज, राइट, गोल तथा पीले बीज जिनको कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट किया और हरे एवं झुर्रीदार पौधों को स्मॉल आर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट किया, ठीक है। इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो प्रभावी कैरेक्टर है वो क्या है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला, यानी कि गोल तथा पीले बीज कौन से हो गए, प्रभावी कैरेक्टर हो गए, ठीक है। ये अपना इफेक्ट ज़्यादा शो करेंगे और उसके इफेक्ट को झुर्रीदार और हरे पौधे के इफेक्ट को रिसेसिव कैरेक्टर को छुपा देते हैं, राइट। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो गोल तथा पीला था कैपिटल आर कैपिटल वाई वाला झुर्रीदार तथा हरे के साथ इसका क्रॉस कराया गया। पहले तो गैमेट्स मिले, यहाँ पर क्या मिले गैमेट हमें, आर 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 वाई कैपिटल वाले और स्मॉल आर स्मॉल वाई वाला गैमेट मिला, ठीक है, पैतृक पौधे। अब इसका यहाँ पर क्या बने, ये क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, उसके बाद क्या हो गया, कैपिटल आर स्मॉल आर वाई वाई, ठीक है। अब इसके गैमेट्स बनेंगे यहाँ गए, ठीक है। तो गैमेट्स कैसे बने, इस तरीके के देखिए, कैपिटल आर वाई ये इसके साथ जाएगा, ये स्मॉल के साथ भी जाएगा, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल के साथ भी जाएगा और स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ भी जाएगा और स्मॉल आर स्मॉल स्मॉल वाई के साथ भी जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये गैमेट बने, ये फीमेल, ये मेल और फीमेल गैमेट्स बने, इसके बाद इनका क्रॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्रॉस कराएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है, इन दोनों को क्रॉस करके क्या मिला, कैपिटल आर वाई वाई, ठीक है। तो ये गोल व शुद्ध, इसी तरीके से इसका इसके साथ क्रॉस कराया गया, ठीक है, इसका इसके साथ कराया, इसके इसके साथ कराया, इसका इसके साथ कराया, फिर इसका इसके साथ कराया, इसका इसके साथ कराया, ठीक है। तो इस तरीके से हमें जो कॉम्बिनेशन मिलते हैं वो 9:3:3:1 का कॉम्बिनेशन मिलता है। 9 जो थे वो गोल व पीले थे, 3 थे गोल व हरा और 3 थे हमारे झुर्रीदार व पीला और झुर्री 1 था हमारा झुर्रीदार व हरा, ठीक है। जो हमारे शुद्ध वाला देखे, ये देखिए रिसेसिव कैरेक्टर यहाँ 1 मिला हमें, ठीक है। ये कितने मिले, कैपिटल आर वाई वाई वाले 9:2, लेकिन ये फिनोटाइप रेशो है, ठीक है, ये क्या है, फिनोटिपिक रेशो है। जीनोटाइप की बात करेंगे तो जीनोटाइप अलग होगा, जैसे 1:2:2, 1:2:4:2:2, 1:2:1, ठीक है। तो हमें एग्जाम में ज्यादातर ये पूछा जाता है एफ टू पी डी के पौधों का फिनोटिपिक अनुपात क्या होता है, तो आप बताएंगे 9:3:3:1, ठीक है, यहाँ क्लियर है। अतः एफ टू पी डी के पौधों का फिनोटाइप अनुपात ये हो गया 9:3:3:1, ठीक है। उपयुक्त दोनों प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने अनुवांशिकता संबंधी कुछ नियम दिए। अब मेंडल ने क्या किया, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं दो प्रयोगों के आधार पर नियम निकाले जिन्हें मेंडल का नियम कहते हैं, राइट, लॉ ऑफ मेंडल्स बोलते हैं या फिर जेनेटिक्स के लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अनुवांशिकता के नियम से जाना जाता है इन नियमों को। इन नियमों में पहला एवं जो दूसरा नियम था वो एक संकरी यानी मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे निर्भर था, ठीक है, उसके आधार पर दिया गया। जो तीसरा नियम था वो द्विसंकरीय क्रॉस के आधार पर दिया गया, ठीक है। अब मेंडल के नियम पढ़ते हैं। पहला था प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि संकर लंबे, ठीक है, संकर लंबे मतलब हाइब्रिड पौधे मिले, लेकिन कैपिटल वो संकर लंबे ही क्यों कहलाए, संकर बोने क्यों नहीं कहलाए, क्योंकि जो कैपिटल थी कैपिटल जो टी था उसने क्या किया, स्मॉल टी वाले कैरेक्टर का प्रभाव को छुपा दिया, ठीक है। तो मेन जो प्रभावी गुण प्रकट करने वाला था वो कौन सा हो गया, कैपिटल टी हो गया, ठीक है। एक जोड़ा
विपर्यायी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता के संकरण करने से प्रथम जीवी पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं जबकि अप्रभावी गुण छिप जाते हैं। यही बात मैंने बताई थी, जो कैपिटल टी था वो प्रभावी गुण वाला था तो उसने अपना इफेक्ट शो कर दिया लंबे वाला, ठीक है, लेकिन स्मॉल टी क्या था, अप्रभावी गुण वाला था तो वो छुप गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन अप्रभावी गुण अनुपस्थित यहाँ पर क्या हो, केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। देखो, दिखने में चाहे वो लंबे होंगे हाइब्रिड पौधे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले, लेकिन उनका जीनोटाइप अगर आप देखो ध्यान से तो कैपिटल टी स्मॉल टी यानी जीन तो है उसमें, स्मॉल जो बोने वाला जीन था स्मॉल टी वाला वो उसमें प्रेजेंट था, यह गुण दूसरा पीढ़ी में प्रकट होता है। अब यही जो स्मॉल टी वाला जो था जो हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये जो है ये आगे वाली पीढ़ी में जाके प्रकट हुआ, ठीक है, कहाँ पर, F2 जनरेशन में। ऐसा नहीं है कि मास हो गया उसका पहली जनरेशन में लेकिन आगे तो वो प्रकट हुआ, या F1 में देखिए इसका इफेक्ट मास हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए शुद्ध बोने मिले ना हमें 25%, ठीक है, तो इसका इफेक्ट आगे जाके शो होता है, उसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने बताया कि कैपिटल टी ने अपना प्रभावी गुण दिखा दिए और सारे पौधे कैसे हुए, F1 जनरेशन में सारे लंबे हुए। पृथक्करण का नियम पढ़ेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लक्षण कारक को जो जीन कैरेक्टर के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक किसी एक युग्मक में पहुंचता है, इस नियम को युग्मकता के शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। देखो अब यहाँ पर यह बताया है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, जैसे कि हमने देखा जो जोड़े थे जीन के जोड़े थे, जैसे कि हम इस पे बात करते हैं, आई विल शो यू, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जोड़े में था जीन, ठीक है, यहाँ क्या था, जोड़े में था कैपिटल टी, यहाँ पर भी क्या था स्मॉल टी, ये जोड़े में है लेकिन आगे जाके ये जब युग्म बनाते हैं गैमेट फॉर्मेशन करते हैं तो ये अलग अलग हो जाते हैं, ये देखिए यहाँ पृथक हो जाते हैं, तो कैपिटल टी चला गया और स्मॉल टी चला गया, ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद ये क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं। तो इसमें यही बताया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी लक्षणकार को जीनों के जोड़े में होते हैं जीन और फिर वो क्या करते हैं युग्म यानी कि जब गैमिट फॉर्मेशन करते हैं युग्म बनाते हैं तो वो पृथक हो जाते हैं और इनमें से केवल एक ही कारक किसी एक युग्मक में पहुंचता है, जायगोट में पहुंचता है एक ही कारक, ठीक है, एक जो युग्म बना वो किसी एक आगे जाके किसी युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गैमिट जो फॉर्मेशन हुई है बेसिकली पहले तो जीन जोड़े में थे और वो सेपरेट हो गए, इसलिए कहा गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है, पृथक्करण क्योंकि पृथक हो गए अलग अलग चले गए गैमेट, ठीक है। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब दो जोड़े विपरीत लक्षणों वाले पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित नहीं करती, ठीक है। तो ये किस पे आधारित था, ये वाला नियम था हमारे तीसरे जो हमने द्विसंकरीय क्रॉस पढ़ा था उसके आधार पर ये था। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करेंगे हम यहाँ पर, देखो यहाँ पे क्या थे कैपिटल आर वाई वाई, ठीक है, ये गैमिट बने, कैपिटल आर और वाई का गैमिट बना। अब देखिए ये कहना चाह रहा है ये नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम ये कहना चाह रहा है कि जो कैपिटल आर था वो देखिए स्मॉल, यहाँ देखिए कैपिटल आर के साथ आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी जा रहा है, ठीक है, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है और स्मॉल वाई के साथ, यानी कि ये अलग अलग सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग चले जाते हैं सब, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये बंद के रह जाते हैं ये कैपिटल आर वाई, ऐसा नहीं है कि जोड़े में ही रहेगा आगे तक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जोड़े में नहीं रहता, ये आगे जाके सबके साथ कॉम्बिनेशन बनता है, कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ भी बनाएगा, कैपिटल आर ये वाई जो होता है ये स्मॉल वाई के साथ भी बनाता है और वाई वाला वाई स्मॉल वाई के साथ भी बनाएगा और कैपिटल वाई कैपिटल वाई के साथ भी बनाएगा और कैपिटल आर के साथ भी बनाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली यही कहते हैं कि इसमें स्वतंत्र अपव्यन का नियम है, यानी कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण, जैसे हमने गोल और पीला लिया और झुर्रीदार और हरा दो लक्षण थे उसमें, वो सारे क्या हो गए पृथक हो गए, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी कि सारे जो जोड़े थे वो क्या हो गए पृथक हो गए, ठीक है,
और विपरीत लक्षणों वाले जोड़े के साथ, विपरीत लक्षणों वाले पौधे के साथ संकरण कराया जाता है तो लक्षणों का स्वतंत्र रूप से अलग अलग हो जाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो उसी के साथ बनकर रहेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं स्वतंत्र अपवयन का नियम। डब्ल्यू वॉटसन ने 1905 में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया, डब्ल्यू वॉटसन ने किया था, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा यही बात कि जेनेटिक्स किसने बताई थी, विलियम वॉटसन ने बताई थी, ठीक है, डब्ल्यू वॉटसन ने बनाई थी। जोहानसन ने 1909 में सर्वप्रथम जीन शब्द का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे याद रखने वाली साइंटिस्ट के नाम। जोहानसन ने जीन शब्द का प्रयोग किया, जेनेटिक्स का सर्वप्रथम प्रयोग वॉटसन ने किया। फिनोटाइप यानी जीवधारी के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं, यानी कि बाहर की अपीयरेंस, अगर वो लंबा है तो हमें बाहर से ही दिख जाएगा, उसी को हम कहते हैं फिनोटाइप कैरेक्टर, लंबा हो गया, बोना हो गया, ठीक है, कलर उसका ऐसा है, अलग है, ठीक है, और पीला है, ग्रीन है, झुर्रीदार है या राउंड है, ये सब क्या है, फिनोटाइप कैरेक्टर है, यानी कि ये लक्षण हमें दिखाई दे जाते हैं बाहर से। जीनोटाइप जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को उसका जीनोटाइप कहते हैं, जो कि कारकों का बना होता है, यानी जीन्स का बना होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई वाई, ये क्या है, जीन्स है, जीनोटाइप बोलते हैं इसको हम। एलिलीज युग्म विकल्पी एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी विभिन्न रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों के एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलिली कहते हैं। एलिली हम किसको कहते हैं, पेयर में होते हैं बेसिकली कैरेक्टर, ठीक है, तो उसको हम जीन का एलिली बोलते हैं, राइट। एक ही जीन के वेरिएंट को हम कहते हैं एलिली, एक ही जीन के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षणों को हम युग्म विकल्पी या फिर एलिली बोलते हैं, राइट। अब आता है लिंकेज यानी सहलग्नता। एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों के एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब जीनों में क्या प्रवृत्ति होती है, एक गुणसूत्र पर दो जीन, अगर एक ही गुणसूत्र पर दो तीन जीन एक साथ लगे हैं तो उनकी प्रवृत्ति है कि वो एक साथ ही आगे वाली जनरेशन में जाएंगे, इसको हम कहते हैं संलग्नता, ठीक है, यानी लिंकेज। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलग्नता कहते हैं, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उसे कहते हैं सहलग्न जीन यानी लिंक्ड जीन। अब एक ही गुणसूत्र पर दो तीन जीन है सपोज, तो उनकी क्या प्रवृत्ति रहेगी कि वो एक साथ ही आगे जाएंगे, ठीक है, वो कहीं और नहीं जाएंगे, एक साथ ही वो मूव करेंगे, ठीक है, उसको कहेंगे लिंकेज। और जो जिस जीन की ऐसी प्रवृत्ति होती है उसको कहते हैं लिंक्ड जीन या फिर सहलग्न जीन। लिंक सहलग्न जीन यानी सेक्स लिंक जीन, लिंग सहलग्न जीन, सेक्स लिंक जीन, लिंग सहलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, ठीक है। और जो लिंग यानी कि सेक्स लिंक जो जीन होते हैं, लिंग सहलग्न जीन जिन्हें कहा जाता है, उनकी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले गुणों को, मतलब जो सेक्स से रिलेटेड होंगे वो कहलाएंगे लिंक सहलग्न जीन, राइट। तो वो जो लिंक सहलग्न गुण होते हैं उसको एक पीढ़ी से कहाँ ले जाते हैं, दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग सहलग्न जीन कहलाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही एक्स लिंक्ड कहते हैं ना, एक्स लिंक्ड जीन है ना, एक्स लिंक गुणसूत्र पर स्थित, जो एक्स लिंक एक्स गुणसूत्र पर स्थित होगा जीन वो कहलाएगा एक्स लिंक सहलग्न जीन, ठीक है, एक्स लिंक्ड जीन बोल सकते हो आप इंग्लिश में, या एक्स लिंग सहलग्न जीन कहे जाते हैं, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। लिंग सहलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या मॉर्गन ने की थी, ठीक है। सबसे पहले मॉर्गन नाम के साइंटिस्ट ने लिंकेज के बारे में बताया था और सेक्स लिंग जीन के बारे में बताया था। तो यहाँ पर जो बात याद रखने वाली बात है, लिंकेज क्या होता है, ऐसी ये प्रवृत्ति होती है जीन की एक साथ आगे जाने की, जो पास पास क्रोमोसोम के ऊपर जो पास पास जीन्स होंगे वो आगे एक साथ जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसको कहते हैं लिंकेज। और जो ऐसे जीन होते हैं जो साथ साथ आगे जाते हैं, आगे वाली जनरेशन में एक साथ शो करते हैं, वो कहलाते हैं लिंक जीन। लेकिन उसी जीन को अगर वो एक्स क्रोमोसोम से रिलेटेड है तो हम कहेंगे एक्स लिंक्ड जीन। जो लिंकेज वाले जीन है वो कहाँ पर है, एक्स क्रोमोसोम्स पर है, इसलिए एक्स लिंक सहलग्न जीन कहे जाते हैं, ठीक है। वास्तव अब यहाँ है लिंग, हाँ, मॉर्गन ने इसके बारे में बताया था, मनुष्य में कई लिंग सहलग्न गुण जैसे कि रंग वर्णधता, गंजापन, हीमोफीलिया, मायोपिया, हाइपर
ट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं, जो एक्स लिंक्ड जो जीन होते हैं वो किससे, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हो गया, बाल्डनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, मायोपिया होता है, ठीक है, ये किससे, एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम्स में होते हैं ये, ठीक है, एक्स लिंक्ड गुणसूत्रों में पाए जाते हैं ये। लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होते हैं, और जो लिंग संलग्न जीन होते हैं वो स्त्रियों से ज़्यादा कहाँ प्रकट होते हैं, कहाँ ज़्यादा मिलते हैं, उनके कहाँ ज़्यादा कैरेक्टर जाते हैं, पुरुषों में ज़्यादा जाते हैं, राइट। अब आता है ह्यूमन जेनेटिक्स यानी कि मानव अनुवांशिकी। गुणसूत्र क्रोमोसोम का नामकरण डब्ल्यू वॉल्टर ने 1888 में किया था। वॉल्टर ने बेसिकली क्रोमोसोम का नामकरण किया। क्रोमोसोम को हम गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले अनुवंशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं। जीन इन्हीं गुणसूत्र पर पाया जाता है। तो बेसिकली जो गुणसूत्रों में पाए जाने वाला जो अनुवंशिक पदार्थ होता है, जो जेनेटिक मटीरियल है बेसिकली, उसको हम कहेंगे जीनोम, और जो जीन्स होते हैं वो इन्हीं गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, राइट। गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होते हैं तो उन्हें प्लाज्मा जीन कहते हैं। अब ये बात यहाँ पर बताइए कि जो गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि अगर साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य के कोशिकांगों में होते हैं, कोशिकांग कौन से हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गए या क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं या क्लोरोप्लास्ट में होते हैं जीन, ठीक है, तो उसको कहते हैं हम प्लाज्मा जीन। 1956 ईस्वी में बेंजर द्वारा जीन की आधुनिक विचारधारा दी गई, राइट। इसके अनुसार जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन होती है, जो जीन के कार्य की इकाई हो गई यानी फंक्शनल यूनिट जो होती है जीन की वो कहलाती है सिस्ट्रॉन। उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन, ठीक है, म्यूटॉन क्या है, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या था, जो सडन चेंज आता है जीन में उसको कहते हैं उत्परिवर्तन यानी कि म्यूटेशन, तो इसको कहा गया म्यूटॉन। तथा पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा गया, ठीक है, और पुनः संयोजन की इकाई को क्या बोलते हैं, रेकॉन। तो यहाँ याद रखने वाली बात है कि जीन की जो फंक्शनल यूनिट है उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं, म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं, एंड पुनः संयोजन की इकाई को रेकॉन कहा जाता है। मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। अब जो ह्यूमन बीइंग है उसके अंदर कितने, 20 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, राइट। आर्थर कॉरनबर्ग में 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज की थी, जिसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। बेसिकली जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, या हम कहेंगे डीएनए संश्लेषण जो होता है, वो किससे होता है, डीएनए पॉलीमरेज नाम के एंजाइम से होता है, और उसको किसने खोजा था, आर्थर कॉरनबर्ग ने 1962 में। मनुष्य में लिंग निर्धारण यानी कि मनुष्य में जो सेक्स निर्धारण जो होता है, मनुष्य के गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, सबको पता है, ठीक है, कितनी होती है, टोटल नंबर ऑफ गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो गई, 46 हो गई। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्र की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है, ठीक है। शुक्र जनन यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा दो प्रकार के शुक्राणु बनते हैं, आधे में जिसमें 23वीं जोड़ी का एक्स गुणसूत्र आता है अर्थात 22 प्लस एक्स, और आधे में 23वीं जोड़ी में वाई गुणसूत्र आता है, ठीक है, तो 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई होता है, लेकिन इसका जो आधा वाला है 22 प्लस एक्स फीमेल में होते हैं 22 प्लस एक्स, राइट। अब यहाँ देखिए जो मेल है आपको उसमें याद रखना है कि जो मेल होते हैं और फीमेल उसमें 22, ये 22 जो क्रोमोसोम होते हैं वो तो बिल्कुल सेम होते हैं सब में, ठीक है, और जो एक जो फीमेल की बात करेंगे, अगर मेल में दो तरह के शुक्राणु बनते हैं, एक में होता है 22 प्लस एक्स वाला जेनेटिक होती है इसमें, ठीक है, और इसमें जीनोटाइप होता है, एक में होता है 22 प्लस वाई वाला, ठीक है, लेकिन नारियों में क्या होता है, एक प्रकार के होते हैं 22 प्लस एक्स तथा 22 प्लस एक्स, ठीक है, सेम होता है यानी कि एक्स एक्स होते हैं इसमें, और इसमें क्या होता है एक्स वाई होता है, ठीक है। तो अंडाणु में क्या हो गया 22 प्लस एक्स। निषेचन के समय यदि अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज में 22वीं जोड़ी एक्स एक्स होती है। अगर देखिए निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन के टाइम पे अगर अंडाणु एक्स जिसमें होता है, अंडाणु में क्या होता है, दोनों में एक्स कोई सा भी हो अंडाणु, एग में क्या होता है एक्स ही होता है, ठीक है, गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है, अंडाणु एक्स गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है। ये देखिए यहाँ पर क्या है, एक्स गुणसूत्र 22 प्लस एक्स क्या है, एक ये शुक्राणु है, ठीक है, और एक ये आधे कैसे हैं 22 प्लस वाई वाले शुक्राणु हैं।
अगर अंडाणु इससे मिलता है एक्स वाले से तो क्या बनता है, फीमेल बनता है, ठीक है। तो युग्मन जायकोड में 23वीं जोड़ी एक्स एक्स होगी और इसमें बनने वाली संतति क्या होगी, फीमेल होगी यानी लड़की होगी, ठीक है। इसके विपरीत किसी अंडाणु में वाई गुणसूत्र वाले शुक्राणु निषेचित होगा तो एक्स वाई गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान क्या होगा, लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। ऐसे बोलते हैं ना कि फीमेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो बर्थ होता है, पुराने जमाने में ऐसे थिंकिंग होती थी कि जो फीमेल्स होती हैं बेसिकली उनकी वजह से लड़की हुई है या लड़का हुआ, तो ये गलत धारणा थी। जो पुरुष होते हैं उनके बेसिकली गुणसूत्र ही डिसाइड करते हैं कि लड़का होगी या लड़की होगी, राइट। परखनली शिशु के मामले में निषेचन परखनली के अंदर होता है, ये क्या है, IVF यानी कि इनविट्रो फर्टिलाइजेशन। इसके अंदर इसको कहते हैं हम टेस्ट ट्यूब बेबी, परखनली वाला होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जो कि किस विधि से होता है, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन से होता है। और यहाँ पर बेसिकली जो शिशु होता है वो उसका निषेचन जो होता है वो कहाँ होता है, टेस्ट ट्यूब के अंदर यानी परखनली के अंदर होता है, इसलिए उसको परखनली बेबी कहा जाता है या टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, राइट। वैसे कहाँ होता है निषेचन, आपको पता है फैलोपियन ट्यूब्स में होता है, ठीक है। शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए DNA फिंगर प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। अगर बाय चांस किसी ऐसे बच्चे का हमें पता लगाना है जिसके पिता के बारे में हमें कुछ नहीं मालूम, तो हम DNA फिंगर प्रिंटिंग के थ्रू और जो सस्पेक्टेड जो भी है सस्पेक्टेड पर्सन है उसका हम DNA एनालिसिस करते हैं, दोनों का मिलाते हैं और उसके बाद हम ये DNA फिंगर टेक्नोलॉजी से पता लगा सकते हैं कि वो उसके मतलब उसका पिता है या नहीं। तो बेसिकली ये क्राइम के टाइम पे भी यूज़ किया जाता है DNA फिंगर प्रिंटिंग, और सस्पेक्टेड जो पिता होता है उसके बारे में भी पता किया जा सकता है, राइट। तो अभी हमारा यहाँ पर जेनेटिक्स ख़त्म होता है। यहाँ आप देख सकते हैं दिस इज फादर जिसका जीनोटाइप क्या है XY और ये मदर है XX। अब इनके जो देखो यहाँ पर अगर X वाला जो शुक्राणु है वो एग वाले X वाले अंडाणु से मिलता है तो डॉटर होती है, X वाला जो Y वाला जो शुक्राणु है अगर वो वो मदर से मिलता है, क्योंकि मदर के तो XX ही होते हैं, ठीक है, तो मदर के अंडाणु का मतलब है X ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो गया, सन हो गया। अगर ये X और ये X मिलेंगे तो डॉटर, और यहाँ पर Y और X मिलेंगे तो सन, तो 50% चांस होते हैं डॉटर के और 50% चांस होते हैं सन के, ठीक है। तो यहाँ पर मेन जो डिसाइडिंग करता है सेक्स को डिसाइड करने वाला कौन हो गया, पिता हो गया यहाँ पर, क्योंकि X और Y, ठीक है, ये X जब जाता है तो लड़की और Y जाता है अंडाणु में तो लड़का, राइट। तो हमारा यहाँ पे अब जेनेटिक्स ख़त्म हो गई है और हम स्टार्ट करेंगे इन अवर नेक्स्ट स्लाइड वनस्पति विज्ञान, ठीक है, यानी कि बॉटनी के बारे में। सो इफ़ यू लाइक फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।